सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो फ्रेंड्स, फिर मैं आज आ चुका हूँ एक बेहतरीन जगह पे, जो कि सारा कॉर्बेट एरिया, चारों तरफ आप मेरे से देख सकते हैं, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और ये सारा जो है, ये सारा कॉर्बेट एरिया है और ये कालागढ़ जोन में पड़ता है। मतलब कि जो कॉर्बेट एरिया कालागढ़ का जो मेन है, यहाँ पे कि बाघ वगैरह हैं, ये आदमखोर होते रहते हैं। तो आज फिर हम पहुँच गए हैं, मैं हूँ और दो भाई हैं मेरे साथ, सामने खड़े हैं जो आप देख सकते हैं। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं जंगल के अंदर। घूमते फिरते हमको बेसिकली जंगल में नहीं आने दे रहे थे, तो भाई की थोड़ी जान पहचान थी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए लेकिन जल्दी आ जाना, क्योंकि वहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा रिस्की भी है मामला। तो इस वजह से यहाँ पे जो आदमखोर बाघ है, उससे चार बाघ जो हैं वो आदमखोर हो रखे हैं, और उन्होंने हमको थोड़ा सा कहा कि जल्दी आ जाना और बड़े ध्यान से आना। तो फिर हम आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रेंड्स हिरण वगैरह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, हिरण हो गई और भी मोर वगैरह काफ़ी जानवर हैं यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं हम आगे की तरफ। बाकी बने रहिए व्लॉग में, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, अगर चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी निकलते हैं आगे, और भाई लोग सामने खड़े हैं, और चारों तरफ आप फ्रेंड्स देख सकते हैं घना जंगल है, और यहाँ पे जो है जानवरों के काफ़ी जानवर पैर वगैरह छप रखे हैं, ये देखिए, और ये हिरण वगैरह के पाँव छप रखे हैं, ये सामने देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ जो है हिरण हो गया, टाइगर वगैरह के पाँव भी छप रखे हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है टाइगर के पाँव, ये देखिए, ये एक ये है, एक ये है और ये एक ये है, ये तीन, ये पंजा पूरा है जो टाइगर का पंजा है फ्रेंड्स ये। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं हम आगे की तरफ, बाकी बने रहिए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अभी खड़े थे, ये देखिए बाइक हमारी यहाँ पे है, और यहाँ पे भी देखिए ये जानवर के कैसे पंजे छप रखे हैं, और ये काफी बड़े बड़े हैं, और यहाँ पे जो है बाघ वगैरह जो है वो आदमखोर होते रहते हैं। फ्रेंड्स, अभी निकल चुके हैं हम आगे की तरफ, और काफी भयानक जंगल है चारों तरफ, और डर भी काफी लग रहा है। फ्रेंड्स, हम जब कांवर लेके आते हैं हरिद्वार से, तो हम इसी रास्ते से आते हैं, इसी रास्ते से सीधा निकलते हैं हम रामनगर की तरफ, और देखिए चारों तरफ घना जंगल है, और काफ़ी हाथी वगैरह भी उस समय हमको देखने को मिलते हैं, हाथी हो गया, चीतल हो गया, हिरन। तो फ्रेंड्स, वो हिरन वगैरह भी हमको काफ़ी देखने को मिलती है यहाँ पे। तो इस बार मैं आया हूँ स्पेशल ब्लॉग बनाने के लिए इस जगह पे, तो मैंने कहा ब्लॉग बन जाएगा और घूम भी लेंगे, तो इसलिए मैं दोबारा पहुँच चुका हूँ। और ये देखिए घना जंगल है फ्रेंड्स, एकदम घना जंगल, कोई पता नहीं है कि यहाँ पे कहाँ से जानवर कैसे हमला करते, और फॉरेस्ट वालों ने रुकने के लिए सख्त मना किया कि किसी जगह पे आप रुकना मत, चलते ही आना, तो इसलिए हम रुक नहीं रहे हैं, तो ज़्यादा रुकने का फ़ायदा भी नहीं है यहाँ पे। और ये हाथी ने देखिए फ्रेंड्स कैसे पेड़ वेड़ तोड़ रखे हैं यहाँ पर, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरे हाथी ने पेड़ तोड़े हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ पर जगह जगह पर ये देखिए चेतावनियाँ दी गई हैं। बाकी हम बढ़ते जा रहे हैं आगे, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक रिवर जैसी आ गई है, और ये रिवर में भी काफ़ी हाथी के। तो फ्रेंड्स, ये देखिए पीछे मेरा लिख रखा है कालागढ़, 11 किलोमीटर है यहाँ से, और 11 किलोमीटर यहाँ से कालागढ़ है, और 11 किलोमीटर हम पीछे है कालागढ़ से अभी। और देखिए घना जंगल है चारों तरफ, देखिए फ्रेंड्स कितने मोटे मोटे पेड़ है, काफी बड़े बड़े पेड़ है ये। हाँ जी फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे हाथी ने काफी बड़ा पेड़ गिरा रखा है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये देखिए इतना बड़ा पेड़ है, और हाथी ने पता नहीं है कैसे गिराया होगा, और वहाँ पे भी हाथी ने काफी ज्यादा तंग, हाथी का यहाँ पर है, और हाथी आए दिन यहाँ पे देखता है और दिखता है, और लोगों के नीचे यहाँ से एक गाँव पड़ता है करीबन 3 से 4 किलोमीटर नीचे की तरफ, और लोगों की जो है वो फसल असल का काफी नुकसान करता है, मतलब गेहूँ बो रखी है किसानों ने, और वो गेहूँ में आकर वहाँ पे उनकी गेहूँ की काफ़ी ज़्यादा बर्बादी करता है। लेकिन सरकार भी क्या करे, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, तार वार लगा रखी है करंट की, लेकिन हाथी वो तार वार तोड़ के नीचे आबादी की तरफ निकल जाता है, तो क्या कर सकते हैं सरकार भी। और देखिए घना जंगल है अभी, और इस घने जंगल के बीच में हम हैं तीन जने, दो भाई वो बैठे हैं, एक मैं, तो हम तीन जने हैं फिलहाल। तो इतना रिस्क लेके हम आपके लिए आ रहे हैं, आपको वीडियो दिखाने के लिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और जो है कमेंट किया करो, वो किया करो पॉजिटिव, नेगेटिविटी मत फैलाया करो फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं थोड़ा आगे, क्या पता कोई बढ़िया सा जानवर दिख जाए, हिरन हो गया या मोर वगैरह हो गए, तो एक बार निकलते हैं हम आगे की तरफ, तो बने रहिए व्लॉग में। फ्रेंड्स, ये पेड़ देखिए हाथी ने कैसे तोड़ रखा है ये, और ये टूट भी ताज़ा रखा है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस पेड़ को टूटे हुए, और ये पेड़ देखिए, वो देखिए लंगूर बैठ रखे हैं सामने। और फ्रेंड्स, इस जंगल में पेड़ काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो पेड़ों को देख के भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। अब ये देखिए, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई चुड़ैल वगैरह रहती होगी, और देखिए, और ये बेले देखिए फ्रेंड्स, एक एक पेड़ में कई कई हज़ार बेले हैं, और वो बेले देख के भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। फिलहाल हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और सुनसान एरिया है फ्रेंड्स, ये देखिए बंदर यहाँ पे गए हैं अंदर की तरफ, ये देखिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एक ये देखिए फ्रेंड्स, एक और नई लोकेशन पर आ गए हैं हम, और यहाँ पर ये देखिए पैर वगैरह काफ़ी छप रखे हैं जानवरों के, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा पाँव छपे हैं,
और यहाँ पे जानवर का काफी ज्यादा खतरा है फ्रेंड्स। और पेड़ देखिए एक बार, पेड़ भी काफी बड़े बड़े हैं फ्रेंड्स हमारे सामने। और ये जो नदी है, ये इस नदी का नाम नीम है, नीम नदी के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे जो है एक बाबा जी थे, वो भक्ति किया करते थे नीम बाबा जी, तो इसलिए इस नदी का नाम नीम बाबा पड़ गया। और ये देखिए चारों तरफ, वो देखिए हाथी ने पेड़ वगैरह भी तोड़ रखे हैं यहाँ पे। और इधर साइड एक मतलब कि जो कहते हैं गुजरों उजरों के खत्ते भी हैं फ्रेंड्स सामने देखिए। और ये गुजर पता नहीं कैसे रहते होंगे इतने घने जंगल के बीच में, और इतने रिस्क के मतलब कि एक टास्क ही होता है मतलब कि इतने रिस्क में रहना भी, तो इस वजह से थोड़ा डर भी लगता है फ्रेंड्स कि ऐसे जंगलों में रहने के लिए, कि दिल चाहिए सबसे बड़ी बात है ये। अगर दिल नहीं होगा तो इतने बड़े जंगल में कोई भी नहीं आएगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है। तो इसलिए जो भी है फ्रेंड्स, इतना रिस्क लेके आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करो फ्रेंड्स, और पॉजिटिव कमेंट किया करो, नेगेटिव कमेंट मत किया करो, खाली दिल टूटता है उस वजह से। क्यों भाई लोगों, इसका नाम विकास है और इसका नाम हैप्पी है। और रेंजर की चौकी है यहाँ पर, जो है फॉरेस्ट वाले रहते होंगे अपना बढ़िया करके। अभी हम फॉरेस्ट के साथ साथ ही जा रहे हैं, ये देखिए सारा जंगल एरिया है। और ये वन विभाग वालों की चौकी है जो फॉरेस्ट वाले रहते हैं, ये देखिए। और इसकी तरफ इसके चारों ओर के करंट की तारें वगैरह लगाई गई हैं कि हाथी शेर वगैरह आया तो इसका नुकसान ना कर पाए चौकी का। और इस साइड बाउंड्री आ गई यहाँ पे, यहाँ से आबादी चालू हो जाती है उस साइड की तरफ, तो ये देखिए पूरी बाउंड्री कर रखी है। और फिलहाल हम जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे ये जानवरों ने कैसे नुकसान कर रखा है। और ये देखिए यहाँ पे तार वगैरह लगाई गई है थोड़ा जानवरों को रोकने के लिए, लेकिन जानवर नहीं रुकता। और ये फिर भी वो ये बाउंड्री भी कर रखी है, देखिए फॉरेस्ट वालों ने, ये सरकार की तरफ से ये बाउंड्री भी की गई है। लेकिन जो है किसान का नुकसान करने के लिए कोई ना कोई जानवर आ ही जाता है। और देखिए दिन में भी लोग यहाँ पर मतलब कि रखवाली कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर रुक कर ये जो है लोग भी रखवाली वगैरह कर रहे हैं। और ये गेहूँ इस समय पककर तैयार है फ्रेंड्स, ये देखिए सामने। और ये फॉरेस्ट सारा जंगल, देखिए चारों तरफ जंगल है और जंगल के बीच में हम अभी जा रहे हैं फ्रेंड्स। व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सामने ये गन्ना बोरक है और पीछे देखिए सामने पहाड़ है, और काफी सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स ये व्यू भी। और देखिए मेरे पीछे इतना सुंदर व्यू है, एक व्यू तो आपके सामने खड़ा है और एक व्यू सामने आप मेरे पीछे खड़ा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखिए फ्रेंड्स, मजा आ गया देख के। तो चलिए फ्रेंड्स अभी निकलते हैं घर की तरफ।